हमें जो चाहिए होती है एनर्जी वो एटीपी की फॉर्म में चाहिए होती है, हमें एनर्जी कभी भी एनएडीएच या एफएडीएच2 की फॉर्म में जो है ना वो हम उसको डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर सकते। अब इनको तोड़ना होता है, एफएडीएच को भी तोड़ना होता है और एनएडीएच को भी तोड़ना होता है। एफएडीएच2 को जब तोड़ेंगे तो ये हमें कितनी एनर्जी देगा, 2 एटीपी देगा। मैं पहले यहाँ पे कहीं लिख दूँ, हाँ मैं लिख देता हूँ जी, एनएडीएच प्लस एच पॉजिटिव को जब हम ब्रेक डाउन करवाएंगे तो ये हमें देगा 3 एटीपी, ठीक है। और एफ ए डी एच टू को जब हम मतलब तोड़ेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन की मदद से, ये हमें कितने देगा, 2 एटीपी देगा। ये बात मैंने पहले लिख दी है, मैं बताऊंगा बाद में आपको। नेक्स्ट हम चलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्लस ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। इससे प्रीवियस पहले आपने एक पढ़ी थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन द फोटोसिंथेसिस, दैट इज कॉल्ड फोटो फास्फोराइलेशन। उसके अंदर क्या होती है, फोटो फास्फोराइलेशन होती है, लाइट की मदद से एटीपी जो है ना उसको बनाया जाता है या सिंथेसाइज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन करके, फूड की ऑक्सीडेशन होती है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे पास क्रैब साइकिल में बने थे, एक एनएडीएच2 बना था, एक एफएडीएच2 बना था, फर्दर उनकी ऑक्सीडेशन करवा के क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन करवा के एटीपी जो है ना वो बनवाए जाते हैं। अब जो पीटीबी की बुक है, पहले मैं उसके मुताबिक बताऊंगा, फिर आपको फेडरल की बुक के मुताबिक बताऊंगा। ये जो है आपके पास एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये लोअर एनर्जी है, यहाँ पर हाई एनर्जी है। सो हाई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, लो एनर्जी की तरफ। ये जो एनर्जी है इसको यूटिलाइज करते हुए एटीपी बनाई जाती है। कैसे बनती है, एक ये एंजाइम है दैट इज एनएडीएच डीहाइड्रोजिनेज, NADH dehydrogenase, इसके पास क्या है, फ्लेवन FMN, फ्लेवन मोनोन्यूक्लियोटाइड प्लस आयरन सल्फर प्रोटीन होती है। इसके पास ये एबिलिटी होती है कि ये जो NADH2 है ना, इसके दोनों हाइड्रोजन आयंस को रिमूव करवा लेता है, प्लस डियर स्टूडेंट्स दो इलेक्ट्रॉन इससे कैप्चर कर लेता है और ये NAD पॉजिटिव में चला दे, इसको कन्वर्ट कर देता है। ये इसकी कैटेगरी है, ये इसके मतलब करैक्टर है। तो यहां पर एक एटीपी का मॉलिक्यूल बनता है इस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए। जब इसकी ब्रेक डाउन होगी तो एनर्जी निकलेगी उसकी फॉर्म में, उसको फिर कन्वर्ट कर दिया जाता है एटीपी की फॉर्म में डियर स्टूडेंट्स। सो यहां पर एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनेगा। नेक्स्ट ये दो इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए जाएंगे, कोएंजाइम क्यू को, यही फिर दो इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए जाएंगे, साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्सेस को। अब यहाँ पर कोएंजाइम क्यू क्या करता है, ये बेसिकली हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं, जो ये यहाँ से दो प्रोटॉन निकल रहे हैं, ये उसको कन्वर्ट करके QH2 की फॉर्म में, वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ, उसको ये साइटोक्रोम B को दे देता है और ये साइटोक्रोम B इसको फिर दोबारा किधर भेज देगा, टू वर्ड द जो है इंटरमेम्ब्रेन जो स्पेस है उसके अंदर भेजेगा, वो फर्दर मैं आपको बताता हूँ। फिर ये दो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स B6 को देगा और यहाँ पर भी एक एटीपी का मॉलिक्यूल बनेगा। जब ये क्या करता है, B6 इलेक्ट्रॉन जो है फिर वो बाद में क्या करेगा, किसको दे देगा, C को दे देगा। तो इस स्टेप के अंदर भी यहाँ पर एटीपी की फॉर्मेशन हो रही होती है। फिर इसी तरह से डियर स्टूडेंट साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स C इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, साइटोक्रोम A को, और साइटोक्रोम A जो है वो दो इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, साइटोक्रोम A3 को। साइटोक्रोम A3 ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको देगा, फाइनल एक्सेप्ट दैट इज ऑक्सीजन इसको देगा और ये हाइड्रोजन आयंस को पकड़ कर क्या बना देगी, वाटर बना देगी। सो एटीपी के मॉलिक्यूल देखिएगा, एक NADH2 का मॉलिक्यूल टूटा है, एक NADH का मॉलिक्यूल टूटा है, तो कितने एटीपी बने आपके पास, 1, 2 और 3। क्या ये एटीपी ऐसे ही बन जाते हैं, यहां पर हमने पढ़ तो लिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है। देखें कैसे, जब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा इसकी ऑक्सीडेशन होगी, इसकी रिडक्शन हो जाएगी, ये अगले को देगा इसकी ऑक्सीडेशन, नेक्स्ट की रिडक्शन, क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये बात आपने यहां पर कंप्लीट कर ली। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, ये सारे का सारा जो है, एक मैं पहले NADPH की बात बता दूं ना, NADH की बात बता दूं, आफ्टर दैट FADH की बताऊंगा। NADH का एक मॉलिक्यूल टूटा, 3 ATP बन गए। तो क्या ये ATP जो होते हैं ये इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बनते हैं, क्या यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनको बनवाने में मदद देती है, क्या वाकई में जब इलेक्ट्रॉन B से C की तरफ भेजा जाता है तो ATP बनती है? तो डियर स्टूडेंट्स ऐसी बात नहीं है। होता क्या है, यहां पर एनर्जी ज्यादा है, यहां पर एनर्जी कम है, तो इस एनर्जी को, ये जो ग्रेजुअल चेंज इन एनर्जी आ रहा है, इस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है। कौन कौन यूटिलाइज करता है, क्योंकि आपको पता है NADH2 जब टूटता है तो इसके पास यहां पर हाइड्रोजन आयंस जो है ना वो बनते जाते हैं। अब हाइड्रोजन आयंस जो है वो अंदर क्या होते जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा होते जा रहे हैं। सो फिर क्या किया जाता है, अब
इन हाइड्रोजन आयंस को इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए किधर भेजा जाता है? इन टू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, क्लियर कर लेंगे बात। मैं दोबारा इसलिए फोर्स करके कह रहा हूँ, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, क्योंकि ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये क्रिस्टी है, इनर मेम्ब्रेन। ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, मेम्ब्रेन के अंदर वाली। अब इधर NADH2 का मॉलिक्यूल टूटा तो हाइड्रोजन आयंस आपके पास आए, तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन को पंप करके किधर भेज देंगे, इस साइड पर भेज देंगे। अब जैसे यहां से उधर भेजेंगे, इधर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होती जाएगी। अब हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन किधर ज्यादा है डियर स्टूडेंट्स, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर जो है हाइड्रोजन आयंस जो है वो क्या होते जा रहे हैं, ज्यादा होते जा रहे हैं। तो ये पंप कर रहे हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इधर कम है इधर ज्यादा है, तो ये इसको पंप करके किधर भेजेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर भेजेंगे। और ये एनर्जी इनको कहां से मिलती है, ये एनर्जी इसको इसी पोटेंशियल से मिलती है। फिर दूसरा डियर स्टूडेंट्स, दूसरी एटीपी कहां बनती है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स B6F पे, क्योंकि ये भी क्या करता है, प्रोटॉन पंप का काम करता है। ये भी हाइड्रोजन आयंस को किधर भेजेगा, इन टू द मेम्ब्रेन स्पेस भेजेगा। अब यहां पर हाइड्रोजन आयंस क्या हो चुके हैं, ज्यादा हो चुके हैं। और थर्ड एटीपी कहां पर बन रही है, ए और ए थ्री जो है वो यहां पर क्या बना रहे हैं, एटीपी की फॉर्मेशन कर रहे हैं। सो ये भी क्या करते हैं, पंप का काम करते हैं। ये भी हाइड्रोजन आयंस को किधर भेज देंगे डियर स्टूडेंट्स, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। तो ये पंप करके जा रहे हैं एनर्जी लगाकर, और ये एनर्जी कहां से मिली है, हाई से लो जब ये आए हैं तब इनको वो एनर्जी दी गई है। नेक्स्ट होता क्या है, अब इधर हायर कंसंट्रेशन है, इधर अब लोअर कंसंट्रेशन हो गई है। जब इधर लोअर कंसंट्रेशन होती है, सो हाई से लो की तरफ आना, अब उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट की जाती है। और उसके लिए कौन काम करता है, मेम्ब्रेन के अंदर लगा हुआ F0 पार्टिकल और F1 पार्टिकल। बड़ी डिटेल इस पर बात हो चुकी है प्रीवियस लेक्चर के अंदर। ये स्मॉलेस्ट रोटेटरी मोटर है। अब ये क्या करती है, ये हाइड्रोजन आयंस को अलाउ करती है कि ये अगेन से किधर आए, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स आए। जब ये इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स आते हैं, तो इनकी एनर्जी को यूटिलाइज करके ये रोटेटरी मोशन इसके अंदर होती है, और वो एडीपी को एटीपी के अंदर जो है वो डियर स्टूडेंट्स क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। सो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का नाम इसको इसलिए दिया गया क्योंकि ऑक्सीडेशन के थ्रू से ये मदद से हो रही है। और तकरीबन ये कहा जाता है कि जब तीन हाइड्रोजन आयंस इसके अंदर से गुजरते हैं, तो एक मॉलिक्यूल एडीपी और पी को जोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है एटीपी बनाने के लिए, वो ये तीन हाइड्रोजन आयंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो सिमिलरली फिर इधर जब हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होते जाएंगे, तो फिर ये साथ साथ उनको क्या करते रहते हैं, पंप करते रहते हैं, क्योंकि ये साथ साथ NADH2 को तोड़ते रहते हैं। अब मैं अगर बात करूं आपके पास FADH2 की, तो FADH2 जो है वो बेसिकली इस जगह पर, ये FADH2 यहां पर फ्लेविन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड जो है डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, ये वो एंजाइम है डियर स्टूडेंट्स, ये वो एंजाइम है। ये क्या करता है, उसी तरह से FAD पॉजिटिव में कन्वर्ट करवा देगा, और दो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन अपना इस जगह पर देगा। जब ये इस जगह पर देगा दोनों इलेक्ट्रॉन अपने, तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, इससे आगे साइकिल चलना है, पिछले वाले को हम भूल जाएंगे। जब इससे पिछले वाले को भूलेंगे, तो यहाँ पर एक एटीपी बन रही थी, हम उसकी बात नहीं करें। तो यहाँ पर देखें, एक एटीपी यहाँ पर बनी और एक एटीपी आपके पास यहाँ पर बनी है। सो यहाँ पर ओवरऑल आपके पास जो ये रिएक्शन हो रहा होता है, क्योंकि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन सा क्यू जो है वो कैप्चर करता है, और फिर वो किसको दे देता है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स B6 को दे देता है, ठीक है। तो इस तरह से एक FADH2 FAD पॉजिटिव में जाता है, और उससे कितने ATP बनते हैं, दो ATP बनते हैं। तो इस तरह में पता चला NADH2 के टूटने से तीन ATP और FADH2 के टूटने से दो ATP बनते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। एंड आई होप कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, और ये MD CAT सीरीज भी अच्छी लगी होगी। काइंडली आप अपने सभी स्टूडेंट दोस्तों के साथ ये शेयर करें, उनसे कहें कि सर ने शुरू किया और मैं डेली बेसिस पे कर रहा हूँ। जो बच्चे कह रहे हैं कि सर डेली बेसिस पे करें, उनके लिए यही है कि मैं रोज़ाना बेटा लेक्चर जो है वो अपलोड करता हूँ, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर स्पीड अप हो जाएगी। अब देखें ना, आज मैंने दो नहीं बल्कि तीन टॉपिक्स जो हैं वो कवर करवा दिए इसके अंदर। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।